हेलो एवरीवन, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं अपना होम टूर करके आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा घर कैसा है दिखने में, मैं कहाँ रहता हूँ। एक्चुअली मेरा नाम है लेंजिंग डोमिंग और मैं पासीघाट का रहने वाला हूँ एंड आई बिलोंग टू आरी ट्राइब जो कि अरुणाचल का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है। और अभी मैं हूँ फिलहाल पासीघाट में, मैं पासीघाट में रहता हूँ। मेरे घर के बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, तो मैं आपको होम टूर करवाऊँगा। कम ये कर, ये है मेरा होम स्वीट होम। सबसे पहले इन लोगों से मिलवा लेता हूँ आपको। इसका नाम है कुकू, इसका बच्चा है ये, इसका नाम है यका। घर को आदि में अकुम कहते हैं और इसे कहते हैं आदि अकुम। और ये हमारा किचन कुछ दिखने में ऐसा होता है। एक्चुअली ये बहुत मॉडर्नाइज्ड है, पेंट किया है, टीन लगाया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, पूरा पत्ते का होता है सब कुछ और सब कुछ कच्चा होता है, बट हमारा थोड़ा सा मॉडर्न करके बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम कुत्तों को पानी देते हैं। ओके, घर वाले भी काम करते हुए। पापा हाय करो। हाय, हेलो। क्या क्या कर रहे हैं? हमें मीट सुखा रहे हैं, मछली सुखा रहे हैं। मछली, ओके। ये क्या का मीट है? ये वाला ये वाला मिथुन का है। मिथुन का मीट है ना ये? ना मिथुन का मीट का। हाँ ये ना। ओके, सुखाया गया है इस मिथुन के मीट को। और ये यहाँ पे हम लोग आग जलाते हैं, यहाँ पे मीट सुखाते हैं। इसे कहते हैं परप, इसे कहते हैं बोरंग। यहाँ पे हम सामान रखते हैं और यहाँ पे भी छोटे मोटे सामान रखते हैं। और इससे कहते हैं कुंबांग, जहाँ पे हम थोड़ा हैवी वाला सामान रखते हैं। यहाँ पे फायरवुड रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम जो सुखाया वाला मीट होता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे मीट सूख रहा है। और ये किचन कुछ इस तरह से है। और ये है अपो, यहाँ पे हम चावल साफ करते हैं। और यहाँ पे हम लोकल वाइन बनाते हैं। एक्चुअली ये भी प्योर बम्बू का बना होता है, लेकिन ये मॉडर्न ज़माना का है तो इसीलिए ये टीन से बनाया गया है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? और ये मेरे भैया, और ये मेरी बुआ, और ये मेरी चाची। तो बताइए कुछ। ओके, ये गले है, इसे लड़कियां पहनती है जैसे कि चाची ने पहना हुआ ऐसा करके। और जो ये है गलुक है लड़कियों का, औरतों का पकड़ के दिखाइए ना आदि। और ये आदि गलुक है औरतों का, दिखने में कुछ ऐसा होता है। उसको घुमाना एक बार। ओके, और ये लड़कों का आदि गलुक, हमारा जो ट्रेडिशनल कपड़ा होता है उसे कहते हैं। ओके, ठीक है। और इसे ऐसे बनाया जाता है यहाँ पे। कैसे बनाते एक बार दिखा दीजिए। जी ना ईमान। ओके, इस तरह से आप लोगों ने एक रोल कर दिया ना, एक धागा फेंक दिया वहाँ से। मतलब प्रोसेस बहुत लंबा होता है, एक एक धागा यहाँ से पतला पतला धागा जाता है तो बनने में बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है बनने में, एक गले को बनने में? एक हफ्ता? हाँ। बाप रे, एक हफ्ता लगता है।
वैसे तो हर ट्राइब में लड़कियाँ सेम गाला पहनती है, बट जो आदि गाला का जो पहचान होता है वो इस पैटर्न से पता चलता है, इसे पोरेंग कहते हैं। तो जो आदि गाला है जिसे लड़कियाँ पहनती है वो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो इनमें से मैं एक का गिव अवे कर दूंगा आप सभी को, और जो आदि गालुक है लड़कों का और लड़कियों का उसका भी गिव अवे करूंगा। तीन विनर होंगे, और गिव अवे को जीतने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आप गिव अवे को कैसे जीत सकते हो। तो गाइस, यूजुअली मैं और मेरे परिवार वाले इस किचन पे नहीं रहते हैं ज़्यादा, विंटर में रहते हैं, क्योंकि विंटर में हम आग की गर्मी का मज़ा लेते हैं और यहाँ पे हम रहते नहीं हैं। तो इसलिए इस वाले स्टोर रूम को और यहाँ पे मैं एक रूम बनाऊंगा, और इस वाले रूम को भी रिनोवेट करूंगा, और बाहर भी एक रूम बनाऊंगा। सबको रिनोवेट करके मैं इसको होम स्टे बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी पासीघाट आओ मेरे होम स्टे में रह सको। और जब हमारा किचन होम स्टे बन जाएगा तब इस वाले पार्ट को मैं ऐसे रखूँगा, क्योंकि हम भी कभी कभार यहाँ पे रहा करेंगे, और जो कस्टमर लोग आएंगे उनको भी यहाँ बैठने को मिलेगा। और अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, ओके गाइस, अभी मैं आपको लेके जाऊँगा कुमसुंग। तो ये हमारा प्यारा कुमसुंग, यहाँ पर हम खेती से धान लाते हैं और धान को यहीं में रखते हैं। तो उसके नीचे हमने बनाया ये मुर्गी घर, मुर्गा घर जो भी है। क्या कर रहे हो आप लोग, मस्ती कर रहे हो? हीटिंग इशू होने की वजह से बार बार मेरा गोप्रो हैंग कर रहा है, तो इसीलिए मैंने गोप्रो को थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया है यहाँ पे। इसलिए अगर आप गोप्रो हीरो 7 ब्लैक खरीदते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हद से ज़्यादा हैंग होता है ये। कैसे चल रहा है यार? मस्त चल रहा है ना सब कुछ? तो चलिए कुमसुम की ओर चलते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे देखिए धान सुखा के रखा हुआ है। और ये मेरे पड़ोसी का घर। ओके, तो पीछे तो बहुत गंदा है, पीछे का कुछ, पीछे में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है। ये कौन है? अरे तुम कब आए यहाँ पे? कुकू जैसा कि पहले मैंने दिखाया था इसको आपको, और ये है उसकी नानी माँ, इनका नाम है हर्टी। हाय हर्टी, याका जो इसकी बेटी है, और याका का बेटा ये है कुकू। एंजॉय करो अपनी नानी माँ के साथ, बाय बाय। ओके, कुमसुंग दिखा लिया, अभी मैं दिखाऊंगा सुअर का घर, हम सुअर पालते हैं उसका घर दिखाऊंगा। उससे पहले ये है मेरा बाइक, और ये है दीदी हम दोनों का बाइक। जब हम दीदी हम दोनों पुणे में रहते थे, मेरी सबसे बड़ी दीदी जो आर्मी में है, हम दोनों ने ख़रीदा था इस बाइक को। और ये है पल्सर, ये जो बाइक है पल्सर का पहला मॉडल है, 1999 का है। और ये स्टार फ्रूट का पेड़, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सारे स्टार फ्रूट निकलता है। और ये है मैंगो का पेड़, ये देखो बहुत सारा है, मैंगो ही मैंगो है। कहाँ गए? ओ यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे मैंगोज है। अभी जब मेन समर आएगा जुलाई जून, तब हमें खाने को मिलेगा। हेलो, हाय। और ये है सुअर जो हम पाल रहे हैं, किधर अपना शक्ल दिखाओ यार, हाय। ओके, अभी मैं आपको अपना घर लेके जाऊंगा। इसका जो डिज़ाइन है वो मेरी दीदी ने दिया है। और ये है टाटा ज़ेनॉन, और ये वेगनर जिसे कभी कभार मैं चला लेता हूँ। ओके, ये है हमारा एंट्रेंस।
और ये हमारा लिविंग रूम। और ये है दूसरा वेरांडा। और यहाँ पे स्पीकर इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ बैठ के कभी कभार माइक लगा के माइक्रोफोन ऑन करके जैमिंग कर लेते हैं। और गैस मेरी मम्मी सो रही है तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो अगले वीडियो में मैं अपनी मम्मी से मिलवाऊंगा और अपनी दीदी से मिलवाऊंगा, बड़ी दीदी से मिलवाऊंगा। हर नेम इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल पोनुंग दोमिंग, अभी वो बाहर में है, लॉकडाउन के बाद वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। और ये बहुत ही रूम गंदा है बट फिर भी मैं दिखाऊंगा, ये है मेहमान का रूम, तो अगर आप लोग कभी दिन मुझसे मिलने आते हो तो आप लोग यहाँ रह सकते हो, मैं साफ़ कर दूंगा इस रूम को। अरे तुम मुझे दिख गए, मैं नया रेसिपी वीडियो बनाऊंगा तुमको लेके, आइसक्रीम बनाऊंगा। और ये हमारा डाइनिंग रूम, और ये है किचन, और गाइस ये है मेरा रूम। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है बट आई प्रॉमिस कि मैं बाद में साफ़ कर दूंगा। और एक्चुअली रूम को साफ़ करने की ज़िम्मेदारी जिसकी है वो फ्यूचर में मेरी बीवी होगी, तो वो रूम को साफ़ करने का काम करेगी और मैं घर को साफ़ करने का काम करूँगा और खाना बनाने का काम करूँगा। ये है बुद्धिस्ट खंजर, मुझे नक्सांग आंटी ने दिया था, मेम्बा है। और यह है तागिन का ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि एक ट्राइब है अरुणाचल में, ये दोनों मेम्बा और तागिन। तो अभी मैं अपने रूम से बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे उल्टी आ जाएगी। टाटा। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और ये मेरे घर का फेवरेट पार्ट जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से हम नीचे कौन मेहमान आए हैं कौन नहीं आए हम देख सकते हैं। और ये है टीवी रूम, और ये है वरांडा जहाँ पे मैं कभी कभार जब बहुत बोरिंग होता हूँ या फिर जब मुझे किसी की याद आती है तो मैं मोहम्मद रफ़ी का लव सॉन्ग सुन लेता हूँ। और यह से हमारा ट्रेडिशनल घर ऐसा दिखता है, और यह से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। आसमान काफ़ी साफ़ है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से लेके आपको चलता हूँ, और यहाँ से मैं तो यहाँ पे भी एक बैल्कनी है, और इन फूलों को मेरी मम्मी ने लगाया, जितने भी घर में आपने फूल देखा है वो सभी मम्मी ने लगाया, और यहाँ से भी कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। और मम्मी सो रही है इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं दिखाया, बट जब मेरी बड़ी दीदी आ जाएगी तब मैं दोनों से मिलवाऊँगा आपको। ये रूम बड़ी दीदी के लिए रिजर्व्ड है, और ये रूम में मम्मी पापा रहते हैं इस वाले रूम में। और अभी मैं जाऊंगा लास्ट ऊपर टेरेस की ओर, और हमारे टेरेस से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और टेरेस में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है बट बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इस वाले पोर्शन में इस वॉल को थोड़ा और उठा के स्विमिंग पूल बनाऊंगा। अमेंचो हाय, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो मेरी दीदी है, और वो है मेरे पड़ोसी का घर, और वो है पड़ोसी का चर्च, जॉर्डन चर्च। मेरे हिसाब से अरुणाचल में 50% लोग क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं और 50% लोग दोनी पोलो को प्रे करते हैं, जो कि एक ट्राइबल रिलीजन है जिसमें हम नेचर को प्रे करते हैं जिसे हमारे एंसेस्टर्स फॉलो किया करते थे। और आपको जो वो वाला पहाड़ दिख रहा है ना, उस वाले पहाड़ में हमारा जो JNC है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, उसमें मैं पढ़ाई करता था, वहाँ पर एक कॉलेज है अरुणाचल का सबसे पुराना कॉलेज। और उन पहाड़ों में मैं आप सभी को घुमाने ले जाऊंगा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो गाइस मेरे होम टूर वाले वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको गिव अवे जीतना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाइए, और कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। पापा थैंक यू सो मच इस निकम्मे बच्चे को
जो नौकरी नहीं करता है, बस यूट्यूब करता है, उसको अपने घर में रहने देने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, वेलकम तो बोलो।